मैं आपसे बिल्कुल सीधा पूछ रहा हूं, जो मुझे समझ में आया मुझे बताइए, क्या मैं गलत हूं? अगर हरक सिंह रावत माफी मांगे आ सकते हैं, साथ ही हरीश रावत को ही मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना होगा, हरक सिंह किसी हालत में मुख्यमंत्री नहीं होते, आप ये एक तरीके से कहना चाह रहे हो जो मुझे मोटा मोटा समझ में आ रहा है? देखिए, इस समय हमारे सामने मुख्यमंत्री का लक्ष्य नहीं है और मैंने अपनी उस आकांक्षा को पार्टी की आज की आवश्यकता को देखते हुए अलग रख दिया है। मैंने कहा नहीं, मैंने वो देवताओं को समर्पित कर दी है, भगवान केदार को समर्पित कर दी है। हमारी इस समय की आवश्यकता है कि हम चुनाव जीतें, ताकि हिंदुस्तान में जो प्रतिपक्ष निरंतर कमजोर होता जा रहा है, लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर होती जा रही हैं और हमारा संवैधानिक मान्यताएं कमजोर होती जा रही हैं, एक सहिष्णु देश असहिष्णु देश में परिवर्तित होता जा रहा है, ऐसा करने वाले लोगों के सामने एक चेक पॉइंट के तौर पर उत्तराखंड का निर्णय उनको अपनी सोच और अपने कार्यक्रम को बदलने के लिए मजबूर करे, एक बड़ा लक्ष्य है लोकतंत्र की, देश के अंदर लोकतंत्र की रक्षा करने का। और सौभाग्य से एक छोटे से राज्य को, और जहां हमारे सौभाग्य से बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री सारी धाराएं हैं, संस्कृति की परंपराएं हैं, उस राज्य को यह अवसर मिला है कि वो अपने निर्णय के जरिए भारतीय लोकतंत्र की गंगा को सतत सलवार रहने दे। इसलिए कांग्रेस का जीतना उत्तराखंड के अंदर आवश्यक है और उस जीत के लिए हरीश रावत अपनी हर तरीके की आकांक्षा महत्वाकांक्षा को गौण समझता है और ये काम केवल कांग्रेस कर सकती है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।